लोकसभा चुनाव के बीच अब राजनीतिक सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता शाइना एनसी मौजूद हैं। मैम, कई सारी जो है हैपनिंग्स होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो जो आज मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें किरण रिजिजू भी शामिल हुए थे, किस संदर्भ में जो है ये मीटिंग बुलाई गई? देखिए, हम मानते हैं कि इलेक्शन के वक्त संवाद बहुत ही ज़रूरी है। आज डॉक्टर्स, लॉयर्स, एनजीओज, डायमंड इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लोग मुंबई के उपस्थित थे और ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो मोदी जी के बहुत ही समर्थक हैं, लेकिन कभी कभार वो जानना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी सोच क्या है, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री का जो एक सोच विचार है एक विकसित भारत को लेके, उसको उजागर करना। तो विशेष संपर्क का यही एक मकसद है कि हम अलग अलग नेतागण को बुलाएं, अलग अलग मिनिस्टर्स को बुलाएं और वो अलग अलग ग्रुप से चर्चा करें ताकि हमारी बात पहुंच सके और हम उनकी बात समझ सकें। और मैम देखिए, अब इसी बीच जो है विजय वडेट्टीवार द्वारा एक बयान आया है जिसे काफ़ी लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं, जो अजमल कसाब को लेकर है कि उन्होंने 26/11 के एक पुलिसकर्मी को नहीं मारा है बल्कि एक आरएसएस के समर्थन वाले। तो यहाँ पर ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि एक धर्म को लेकर भी जो है उन्होंने टिप्पणी की हुई, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कहीं वो बयानबाजी, और ये एक और बयान है जो लोग नकारेंगे। उज्ज्वल निकम एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो काम उन्होंने कसब को लेके किया है, मुंबई उनको सलामी देती है। जहां वो एक साफ सुथरे नेते हैं जो उतरते हैं मैदान में, आप वहां कोई लालचन नहीं लगा सकते हैं, तो आप बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। तो मैं मानती हूं ये बहुत ही दुखद है कि कांग्रेस इस स्तर तक गिर चुकी है, क्योंकि उनकी नैया तो डूब चुकी है। और जब आप मैदान में जाते हैं या आप जंग लड़ते हैं तो आपके सिपाही देख रहे हैं कि कैप्टन कौन, कैप्टन गायब, देश में भाग रहे हैं और यहाँ बयानबाजी चालू है। मैम, ना सिर्फ बीजेपी पार्टी बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इस बयान का निंदा करना शुरू कर चुके हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि अब उन्हें कहिए कि वो पाकिस्तान जाकर ही चुनाव लड़े। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या मांग रहेगी कि क्या क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने नेता के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस पार्टी बयानबाजी पे टिकी है, पाकिस्तान को लेके वो टिप्पणी करते हैं। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी को देखिए, देखिए देश कितना सुरक्षित है। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, कहीं भी हमें खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सशक्त रूप से देखा है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी सक्षम हो और हमारे पॉलिसीज इतने स्ट्रांग। आप बयानबाजी करेंगे पुलवामा को लेके, मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी कोई आतंकवादी हमला हो तो भारत ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और यही है विशेषता प्रधानमंत्री जी की बातों की। मैम, और अब जो सीटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुए, महाराष्ट्र में हुए, राष्ट्र भर में हो रहे हैं, लेकिन वही अब राहुल गांधी की जो सीट है उसको लेकर जो है अब राजनीति शुरू हो चुकी है। पहले वायनाड, अमेठी और अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं सीट जो है वो लड़ते हैं, जीतते हैं, छोड़कर निकल जाते हैं। रायबरेली पर क्या बोलें? देखिए, राहुल गांधी जी एक भगोड़े हैं। अमेठी से हारे, भागे वायनाड, वायनाड से जीते, कभी गए नहीं अमेठी। फिर इस बार वो ऐसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन लेते हैं जो बैंड है पूरे देश में, SDPI हो या फिर जिस ढंग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब गए हैं रायबरेली, उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये घूमना, देश भर में भ्रमण करना और कोई भी क्षेत्र के लिए काम नहीं करना। दूसरी तरफ आप देखिए, स्मृति ईरानी हो, अमेठी को कैसे उनका परिवार मान चुकी है और वहाँ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जिस राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए ही नहीं 5 साल में, जब वो रायबरेली जाते हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, कोई हो दादा या दादी, चाचा या चाची, बेटी या बेटा, बहू या दामाद, नहीं जीत पाएंगे। मैम, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है इस बार बीजेपी पार्टी। तो जो आप लोग का लक्ष्य है 400 पार, उसको लेकर कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, 400 पार सिर्फ एक नारा नहीं है, एक भावना है, क्योंकि देश के सबसे ईमानदार मेहनती प्रधानमंत्री कोई है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं और उन्हीं के ऊर्जा में हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, 11 करोड़ सदस्य, देखे कि एक एक पोलिंग बूथ में हमारे बीजेपी के वोटर्स बाहर आके उनको ही चुने। ये पहली बार है जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक प्रो इनकम्बेंसी है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने शाइना एनसी के इस तमाम जो मुद्दे हैं राजनीति में और तमाम जो ऐसी तुष्टीकरण वाली राजनीति की जा रही है उस पर इनकी प्रतिक्रिया सुनी। ऐसे में अब एक तरफ विजय वडेट्टीवार पर जो है निशाना सज चुका है, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें निष्कासित करती है या फिर उन्हें पार्टी में रहने देने का मौका देती है ये तो समय बताएगा, लेकिन 26/11 को लेकर ऐसी राजनीति करना जिसमें उज्ज्वल निकम को एक और जो है टारगेट किया जा रहा है और वही दूसरी तरफ जो है अजमल कसाब और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं उन्हें क्लीन चिट देने का काम यहाँ पर जो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है जैसा यहाँ पर शाइना एनसी का कहना था उसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया।